हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ग्रामर चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे इसके बारे में। आगे के वीडियोस को इसमें हम देखेंगे। प्रोनाउंस चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रोनाउन के टोटल जो है वो 3 क्लास हम लोग कर लिए थे। यह इसका चौथा क्लास है और अब तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा है उसको यहाँ पे देख लेंगे कि अब तक हम लोगों ने प्रोनाउंस के टाइप्स पढ़ रहे थे और उसका डिटेल्ड एनालिसिस के साथ डिटेल्ड उसका एकदम पोस्टमार्टम कर रहे थे। हर एक 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 जो प्रोनाउन के टॉपिक्स है, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन हो गया, पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिए थे। उसके बाद पोसेसिव प्रोनाउन पढ़ लिए थे, पोसेसिव प्रोनाउन के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ लिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ लिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउंस पढ़ लिए थे। अब यहाँ से हम जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है इसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो यदि अब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर कर दे। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि एसएससी हो, एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ स्टेनो, एमटीएस, सीडीएस स्टेनो या फिर सीडीएस का एग्जाम हो, जिसमें भी इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ग्रामर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। ओके, सो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आपको यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में यह कहा गया है, रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, वो प्रोनाउंस जो जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे तो उसे सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे कहते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। अब किस प्रकार के सेंटेंस को जोड़ते हैं और इसके जो रूल्स क्या क्या हैं वो भी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हु है, हु, विच, दैट, व्हाट, वे, ये क्या है, इन्हें हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस को किस प्रकार से जोड़ता है यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से हम यहाँ पे समझते हैं। आई मेट वीना, यानी कि मैं वीना से मिला। हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, यहाँ पे हु क्या हुआ, हु हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो हु आया आपके जो सब्जेक्ट है आई के अनुसार ही आया है, लेकिन आया किसके लिए है, तो वीना के लिए आया है, तो इसे हम कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। वीना के लिए प्रोनाउन कौन सा आया है, हु, क्योंकि मैं वीना से मिला, जो हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो कि स्कूल से लौट रही थी। तो हु किसके लिए आया है आपको, हु वीना के लिए आया है। तो आपने पढ़ा है कि यह क्या है, नाउन, और इसके बदले में जो आएगा उसे कहते हैं हम प्रोनाउन। और यह किस प्रकार का प्रोनाउन हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। तो अब इसके हम रूल्स पढ़ते हैं यहाँ पे। रूल नंबर वन पढ़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हु, विच, व्हाट, यही सब जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी आप लोगों ने देखा का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी कि इसका जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में होता है, जैसे कि किसी भी सब्जेक्ट को डिनोट किया जाए। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, द बॉय हु केम हियर इज ए प्लेयर, यानी कि जो लड़का, द बॉय, जो लड़का, हु केम हियर, यानी कि यहाँ आ रहा है, इज ए प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है। तो यहाँ पे हु किसके लिए आया है, हु आया है आपको द बॉय के लिए, और द बॉय क्या है, द बॉय के लिए यहाँ पे जो हु आया है, और यह हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो ये हु यहाँ द बॉय के लिए ही यहाँ पे आया है। यहाँ पे जो वर्ब का यूज होगा आपको इसके अनुसार ही होगा, जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। ओके, सेकेंड रूल इसका देखते हैं। सेकेंड रूल में कहा गया है रिलेटिव प्रोनाउंस whom, which, that, whom, which और that, ये तीन जो रिलेटिव प्रोनाउन है सबऑर्डिनेट क्लॉज के रूप में होते हैं, इसे तो हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, आई हैव ए सन whom आई लव वेरी मच, यहाँ पे भी सेम वही है, यानी कि आई हैव ए सन, मेरे को एक बेटा है, आई हैव ए सन whom, जिसे, whom का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जिसे, या क्या कर रहा है, होम सेंटेंस को जोड़ रहा है, या सेंटेंस दो भागों में, आई हैव ए सन, मेरे पास एक बेटा है, आई लव वेरी मच, मैं उसे प्यार करता हूँ। तो होम इन दोनों सेंटेंसों को, एक सेंटेंस वन और यह सेंटेंस टू, इन दोनों सेंटेंसों को यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसे जोड़ रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, और इसका मतलब हुआ होम, जिसे। नेक्स्ट थर्ड नंबर रूल देखते हैं, अगर एंड से जुड़कर दो, यहाँ पे जो थर्ड नंबर रूल है, अगर एंड से, एंड जो आप जानते हैं कंजक्शन होता है, एंड से जुड़कर दो एंटीसीडेंट्स का प्रयोग हो जिसमें एक मनुष्य तथा दूसरा जानवर या फिर वस्तु हो, यानी कि कहने का मतलब एक लिविंग थिंग्स वैसा, यानी कि जो लिविंग थिंग्स में मानव हो और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स हो या फिर कोई जानवर हो, तो इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करें। दैट का यूज किसके लिए किया जाता है, तो दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है जब मनुष्य या फिर जानवर या फिर कोई वस्तु के लिए हो, लेकिन कब, जब एंड से जुड़ के दो एंटीसीडेंट्स
का प्रयोग हो तब, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द मैन, यहाँ पर क्या हुआ, द मैन, यह हुआ सब्जेक्ट वन, एंड हिज डॉग यानी कि उसका डॉग यानी कि उसका कुत्ता, दो सब्जेक्ट जो है वहाँ यहाँ पे एंड से जुड़ रहे हैं। दैट आई शा यस्टरडे हैव बीन किडनैप्ड यानी कि द मैन एंड हिज डॉग यानी कि एक आदमी, वो आदमी और उसका कुत्ता, दैट आई शॉ जिसे मैंने देखा कल, हैव बीन किडनैप। यहाँ पे एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी रूल देख ले, यहाँ पे हैव का यूज किस लिए किया गया, क्योंकि दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़ते हैं और उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हमेशा प्लूरल का। ओके, तो यहाँ पे प्लूरल के रूप में हैव का यूज किया गया है, इसे भी आप ध्यान दें, ये कॉमन एरर के लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे यह किससे जुड़ा है, दैट से जुड़ा है। ओके, तो दैट का दैट जो हुआ वो आपको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हुआ और दैट से ही यहाँ पे जोड़ा जाता है, यहाँ पे हु से हम नहीं जोड़ते हैं। नेक्स्ट रूल को देखते हैं, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग होता है, ये सभी जानते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के बाद दैट का प्रयोग किस तरीके से होता है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ समझते हैं। मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव एवर सीन यानी कि मिस्टर मिश्रा, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री क्या है, मोस्ट लेबोरियस, जो मोस्ट है वो सुपरलेटिव फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री है, लेबोरियस के आगे लगा है। मिस्टर मिश्रा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव एवर सीन यानी कि मिस्टर मिश्रा काफ़ी मेहनती आदमी है, जिसे हु का यहाँ दैट का अर्थ किसके लिए आया है, जिसे के लिए आया है। तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा दैट का यूज करेंगे, ना कि हु का, हु का भी मतलब जिसे ही होता है। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए तो यहाँ पे हम दैट का यूज करेंगे, इसका मतलब होता है जिसे, दैट हैव एवर सीन। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे रूल है, रूल नंबर फाइव को देखते हैं। ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो तो इसके बाद हु या दैट दोनों में से किसी का भी प्रयोग हो सकता है। अब यहाँ पे देखें, ऑल जब आए तो व्यक्ति, ऑल का प्रयोग यानी कि सभी के लिए आ जाए, व्यक्ति के लिए, तो यहाँ पे हम हु या फिर दैट का यूज करते हैं, ना कि हुम का और विच का। हुम और विच का यहाँ पे यूज नहीं करते, हुम या विच का यूज वस्तु के लिए करते हैं लेकिन उसको अलग तरीके से। तो यहाँ पे देखें, ऑल हु दैट आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, तो यहाँ पे दैट का यूज जो किया गया है और यहाँ पे ऑल यानी कि सभी का यूज किया गया है, सभी के लिए। तो जब भी सभी के लिए यूज किया जाएगा तो यहाँ पे दैट का यूज हु के रूप में, हु का यूज ना किया जाएगा और ना ही सॉरी यहाँ पे विच का यूज ना किया जाएगा और ना ही यहाँ पे हुम का यूज किया जाएगा। यहाँ पे किया जाएगा तो सिर्फ दैट या फिर हु का यूज किया जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान देंगे ऑल के साथ, इस नियम में कहा गया है। नेक्स्ट जो रूल है, रूल 6, ऑल का प्रयोग वस्तु के लिए हो तो इसके बाद दैट का प्रयोग हो। ऑल का प्रयोग जब वस्तु के लिए किया जाए तब दैट का प्रयोग हो, और ऑल का प्रयोग जब मनुष्य के लिए किया जाए तो वहाँ पे, यहाँ पे आप लोगों ने अभी देखा है, ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो तो हु या दैट दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे दैट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ वस्तु के लिए किया जाएगा। यहाँ पे दैट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ वस्तु के लिए किया जाएगा, जैसे हु, हुम, विच का नहीं। यहाँ पे हु का भी नहीं कर सकते हैं वस्तु के लिए, हुम, विच का तो करेंगे ही नहीं, हुम और विच का। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड यानी कि ऑल दैट ग्लिटर्स यानी कि सभी जो चमकते हैं सोना नहीं होता है। तो यहाँ पे दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब हुआ जो, मतलब कि यहाँ पे जो सोना हुआ, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, गोल्ड क्या हुआ, यहाँ पे एक वस्तु हुआ, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑल का प्रयोग जो आया है वो आया है आपको नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यानी किसी वस्तु के लिए। इसके नोट में एक चीज देख ले, ऑल के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन हो तो दैट का प्रयोग होता है, जैसे कि मनी होगा, यहाँ पे ये अलग अलग हो गया है, वो छूट गया, ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज बीन स्पेंट यानी कि सभी पैसे, यहाँ पे मनी का यूज किया गया है। तो यह क्या है, पैसे, आप सभी जानते हैं यह अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पे हम दैट का ही यूज करेंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो यही कहा गया है, ध्यान देंगे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हमेशा आप यहाँ पे दैट का यूज कर सकते हैं, और ऑल
जब बाय सभी के सभी का बात किया जा रहा हो तो, लेकिन ऑल का प्रयोग और प्लस यहाँ पे लिविंग थिंग्स हो तो उसके लिए, यानी कि कोई व्यक्ति हो तो उसके लिए हम हु या फिर दैट दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल को यहाँ पे देखते हैं, रूल नंबर 7 जो है वो कह रहा है एवरीथिंग नथिंग द ओनली एनी ऑल एवरीवन नॉन नो नोबडी मच लिटिल द सेम द फ्यू द लिटिल के बाद दैट का प्रयोग होता है। ओके, इन सब के बाद हमेशा दैट का ही प्रयोग होता है। इस तरीके से तो यहाँ पे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, माय फादर हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड, यानी कि इसका मतलब जब हिंदी में समझेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, यानी कि मेरे पिता, माय फादर हैज गिवन ने मुझे दिया, मेरे पिता यानी कि मेरे पिताजी ने मुझे दिया एवरीथिंग, यानी कि यहाँ पे सब कुछ और दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब हुआ जो यानी कि जिसकी मुझे जरूरत थी। तो माय फादर दैट हैज गिवन मी एवरीथिंग, तो यहाँ पे जब भी एवरीथिंग आए या फिर ये जितने सारे वर्ड्स दिए गए हैं एवरीथिंग नथिंग द वनली एनी ऑल एवरीवन नॉन नो नोबडी मच लिटिल द सेम द फ्यू द लिटिल, इन सब के बाद हमेशा आप दैट का यूज कर सकते हैं, यही आपके लिए बेस्ट होगा। और यहाँ पे जो जब कॉमन एरर में पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको विच दे करके ऑप्शन में पूछ दिया जाएगा, तो इसे आप एरर करेंगे और यहाँ पे दैट का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये भी देख लेते हैं, दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट स्टार्टे, यानी कि यह केवल वही पेन है जिससे, दैट का मतलब क्या हुआ, जिसे आई बॉट स्टार्टे, जिसे मैंने कल खरीदा था, तो यहाँ पे ओनली का यूज किया गया है। वैसे ही माई वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल, यहाँ पे द लिटिल का यूज किया गया, द लिटिल मनी, तो द लिटिल यूज किया गया है, तो इसके बाद जो भी आएगा तो ये आपको यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 8 है, वर्ब के स्पष्ट रहने पर द सेम प्लस नाउन, जब भी द सेम प्लस नाउन का यूज हो तो उसके बाद दैट का यूज करेंगे। कैसे, तो एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द सेम, यानी कि दिस इज द सेम, यहाँ पे द सेम का मतलब यही हुआ कि यह वही आदमी है दैट डिसीव्ड मी, दिस इज द सेम, यह वही आदमी है, मतलब वही के लिए यूज किया जाएगा, दिस इज द सेम मैन, या वही आदमी है दैट डिसीव्ड मी, जिसने मुझे धोखा दिया। डिसीव्ड का मतलब क्या होगा, यहाँ वोकैबुलरी के लिए आप देख लेंगे, धोखा देना। ओके, तो द सेम के बाद भी यहाँ पे दैट का यूज करेंगे, अब यहाँ पे हम हु का यूज नहीं कर देंगे, इस चीज का आप ख्याल रखेंगे। और कॉमन एरर में जब कॉमन एरर यानी कि ग्रामेटिकल एरर पूछा जाता है तो यहाँ पे यही हु दे दिया जाएगा और आपको यहाँ पे दैट सुधार करना होगा। नेक्स्ट जो है यूज ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, अब पढ़ते हैं आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के जितने सारे इंपॉर्टेंट रूल्स थे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते थे वो हम लोगों ने टोटल देख लिया। वे प्रोनाउंस जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन जिन प्रोनाउंस से क्वेश्चन बनते हैं तो उन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि हु, होम, हुज, विच इत्यादि, ये सब क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। कैसे, तो इसे रूल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे ए नंबर को देखते हैं, हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है, जैसे हु इज प्लेइंग, यानी कि हु का मतलब क्या हुआ, कौन खेल रहा है, तो यहाँ पे हु तो प्रोनाउन हुआ ही, लेकिन ये नहीं पता है यहाँ पे इसका जो आंसर आपको नहीं मिला कि कौन, मतलब कौन खेल रहा है, आपको आंसर पता नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए होता है, याद रखेंगे हु का प्रयोग जब भी होगा तो आपका सब्जेक्ट के लिए पता लगाने के लिए होगा, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाएगा। कैसे, हुम हैज ही इनवाइटेड, यानी कि उसने किसे निमंत्रण दिया है, उसने किसे निमंत्रण दिया है, किसे, यानी कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम हुम का यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हुज जो थर्ड है का प्रयोग मालिक का पता लगाने के लिए होता है, मालिक कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि यह किसका है, हुम का मतलब क्या हुआ, किसका, तो इस चीज का मतलब ऑनर कौन है, मतलब यह किस चीज किसका है, तो उसे इसके लिए यहाँ पे मालिक का वर्ड का यूज किया गया। हुज बुक इज दिस, यह बुक यानी कि यह किताब किसका है, तो इसका पता लगाने के लिए हम यहाँ पे हुज का प्रयोग करते हैं। ये तीनों है कि काफी इंपॉर्टेंट है, हुम, हु और हुज। इसे कैसे यहाँ पे हम रूल्स को इम्प्लीफाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करके और इसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखते हैं रूल नंबर 2।
जब भी प्रीपोजिशन प्लस हुम का प्रयोग हो, लेकिन प्रीपोजिशन प्लस हु का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा हुम का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हु का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये चीज इसमें कहा गया है किस तरीके से, तो यहाँ पे देखते हैं। एग्जाम्पल है, बाई हुम वाज द रामायणा रिटन, यानी कि रामायणा किसके द्वारा लिखा गया है। बाई हुम यानी कि किसके द्वारा, बाई हुम का मतलब पैसिव फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। हु को एक चीज ध्यान में रखेंगे, हु को जो पैसिव फॉर्म में हम बदलते हैं तो इसे हम बाई हुम में कन्वर्ट करते हैं, तो वही यहाँ पे पैसिव फॉर्म है। बाई हुम वाज द रामायणा रिटन, रामायणा जो है वो रामायण किसके मतलब किसके द्वारा लिखा गया है। तो प्रीपोजिशन का यूज किया गया है बाय, और उसके बाद होम का यूज किया गया है, हु का यूज नहीं किया गया है। लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग वाक्य के अंत में करने हो तब हु का प्रयोग किया जा सकता है। शुरुआत में यह प्रचलित है, यानी कि पहले से ऐसा यूज करते मतलब किया गया है। कैसे, जैसे हु वाज द रामायणा रिटन बाय, लेकिन यहाँ पे जो ये पहले यूज होता था अब यह इस तरीके से यूज नहीं किया जाता है। हु आर यू यानी कि तुम कौन हो, तो यहाँ पे हु का अर्थ जो है वो कौन पहले के लिए किया गया है। आई डोंट नो हु आर यू, हु यू आर यानी कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, तो हु का मतलब यहाँ पे कौन हुआ। नेक्स्ट थर्ड नंबर रूल है, जब दो या दो से अधिक में एक चुनाव करना हो, जैसे कि दो या दो से अधिक चीजें हो उसमें से एक का चुनाव हो, तो हम यहाँ पे विच का यूज करेंगे। जैसे हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, अब यहाँ पे जो यहाँ पे ब्रदर है, ब्रदर लिविंग थिंग्स है, और इसके लिए तो हमेशा हु का यूज किया जाना चाहिए। लेकिन जब बहुत ज़्यादा में से किसी एक को सेलेक्ट करना हो, एक को चूज करना हो, तो हम तब हम वहाँ पे विच का यूज करेंगे, तो यह करेक्ट होगा। यह एक्सेप्शन में है क्योंकि हमेशा हु का ही यूज ज़्यादातर किया जाता है। तो विच इज़ योर ब्रदर इन द क्राउड, तो यह क्या हुआ, करेक्ट सेंटेंस हुआ। वैसे ही सेकेंड जो है, हु ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट, तो यहाँ पे हु का यूज हम नहीं करेंगे, उसके जगह पे विच के करेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा में से चुनाव करना हो यानी कि चूज करना हो, सेलेक्ट करना हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो ये जितने सारे रूल्स थे वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो लास्ट होगा इसका टॉपिक का, ग्रामर का, सॉरी प्रोनाउन का जो लास्ट टॉपिक बचा है वो है सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, हम इसमें देखेंगे जो कि प्रोनाउन से रिलेटेड हो। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता हो, एसएससी और जो भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स के साथ उसको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चंस को इसमें हम करने वाले हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इसे आप देखना ना भूलें। लेकिन इसके पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट किस प्रकार से होगा, प्रोनाउन के लिए प्रोनाउन का यूज किस तरीके से करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तौर पर, तो इसको हम इस नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो अब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और एक चीज जो यहां पे मैं बता रहा हूं, आप डेली द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी जो है उसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए या फिर इसे पढ़ने के लिए, और जिसमें बायोलिंगुअल लैंग्वेज में सब कुछ अवेलेबल रहता है, डेली के एडिटोरियल से वोकैबुलरी अपलोड कर देता हूं मैं अपने टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स पे, तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। एडिटोरियल वोकैब्स 1 लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर ले और ज्वाइन करके जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।